दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे कि किस तरह Realme 6 मॉडल का ग्लास चेंज करते हैं। जनरली अगर कोई मोबाइल का ग्लास टूटता है तो ज़्यादातर शॉप में आपको कॉम्बो लगाना पड़ेगा बोलते हैं, जो करीब 2 से 3 हज़ार तक का खर्चा होता है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह वही डिस्प्ले का सिर्फ ग्लास कैसे चेंज करते हैं, जो कि 800 से 1000 रुपया में आपका मोबाइल फिर से पहले जैसा हो सकता है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको अच्छा मिले इस तरह की और वीडियो बनाने के। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग अगर थोड़ा प्यार देते हैं, आगे बढ़ने की मौका देते हैं, लाइक और शेयर करके इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो और भी इस तरह के टेक रिलेटेड मोबाइल, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप टॉपिक पे वीडियो बनाने में थोड़ा उत्साह मिलेगा। चलिए थोड़ा स्पीड कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ये ग्लास। Thank you.
हम लोग अभी इसको बबल रिमूवर में डालेंगे ग्लास पेस्टिंग करने से पहले। इसको निकाल के देखते हैं हम लोग का बबल गया कि नहीं गया। एकदम क्लीन बबल थोड़ा सा भी नहीं है। हम लोग और एक बार डाल लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी है बबल्स वो निकल जाएगा। थोड़ा सा भी बबल नहीं है यहाँ पे। अगर बबल रहता है तो OCA लगाने से पहले ही, लगाने के बाद ही इसको बबल रिमूव करना है। अगर नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम दिखाता है। पहले इसको बबल रिमूव कर लेना चाहिए, इसके बाद हम लोग अभी इसको ग्लास लगाएंगे। ग्लास लगाने के लिए क्या होगा, इसको फैन में लगाना है। ये लगा लेना है ताकि कहीं अटका ना रहे। हम लोग ग्लास ले लें। हम लोग चेक कर लेते हैं।
इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इसको हम अभी इसको हम लोग अभी प्रेस करेंगे, इसमें हम लोग अभी इसको प्रेस करेंगे। इसमें बहुत सारा बबल रह गया है, बहुत सारा बबल्स रह गया है। हम लोग अब इसको बबल रिमूवर में डालेंगे। अभी देखते हैं इसका बबल्स रिमूव हुआ कि नहीं। कंप्लीट क्लीन, वही डिस्प्ले, सिर्फ हम लोग ग्लास चेंज किया हूँ। इसको फिक्स करके देखते हैं, हम लोग इसका चेक करेंगे। और ओके है, इसको फिटिंग करना है।
नहीं मैं जाने का तभी से बिठो ना फिर मैं भी लगी ये हो गया कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय आया हूँ।